हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपने IRCTC जो है ऐप से अपनी जो है रेल की टिकट बुक की, लेकिन आपकी जो है रेल की टिकट बुक तो नहीं हुई और आपके बैंक अकाउंट से जो है पैसे कट गए, तो क्या आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे कटे हुए वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे। तो चलिए, जानने के लिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने IRCTC ऐप से दो टिकट जो है बुक की, लेकिन वो बुक तो नहीं हुई, मेरे अकाउंट से जो है पैसे कट गए। मैंने जो है दलई से जम्मू तावी की जो है टिकट बुक की थी, लेकिन टिकट बुक नहीं हुई और हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या ये पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो कैसे आएंगे। तो चलिए, पहले मैं आपको टिकट दिखा दे रहा हूँ। तो अगर आपको भी अपनी जो है टिकट देखनी है कि मेरी टिकट बुक हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ लास्ट ट्रांजेक्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट ट्रांजेक्शन में जो है दिखा देगा, यानी कि मैंने अभी दलई से जम्मू तावी की जो है टिकट बुक की थी। दो टिकटें मैंने बुक की थी, 2S की, सही है ना, 2 सिल्टिंग की, सही है ना। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 447.7 पैसे के जो है मेरा अमाउंट था और यहाँ पर ये लिख के दे रहा है ट्रांजेक्शन स्टेटस नॉट बुक्ड, यानी कि मेरे पैसे तो काट लिए बैंक अकाउंट से, जो कि आप देख सकते हैं इसकी शॉर्ट, मेरे जो है बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए, लेकिन जो है मेरी टिकट बुक नहीं की है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये ऐसा तब होता है जब उसमें संभावना प्रकट की जाती है, तब जो है हमें ये इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ये जो पैसे कटते हैं ये पैसे आपके सक्सेसफुल आपके बैंक अकाउंट में जो है या तो जो है तुरंत 1-2 घंटे के बाद ही जो है आपके जो है बैंक अकाउंट में सेंड कर दिए जाएंगे, या आपके 6 घंटे में या आपके 24 घंटे में। इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होता है 5 दिनों का होता है और 5 दिनों के बाद जो है आपके बैंक अकाउंट में जो है पैसे लौटा दिए जाएंगे। अगर आपको और भी जो है डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप क्या करिए, आपको जो है एक नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, उस नंबर को जो है IRTC का ये नंबर है, इस नंबर को आपको जो है लगाइए, सही है। लगाने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर मैं माई ट्रांजेक्शन में गया और माई ट्रांजेक्शन यहाँ लास्ट ट्रांजेक्शन से लास्ट ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर ऊपर ट्रांजेक्शन आईडी दिख रही होगी, सही है। आपको ये ट्रांजेक्शन आईडी क्या करनी है, आपको ये ट्रांजेक्शन आईडी जो है IRCTC वाले हैं उनको आपको ये ट्रांजेक्शन आईडी आपको बता देनी है, वो इस ट्रांजेक्शन आईडी से आपकी पूरी डिटेल बता देंगे। उसके बाद जो है उनसे पूछिए, सर मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं और मैं जो है इनको वापस लेना चाहता हूँ, सही है। तो वो कहेंगे कि आप जिस बैंक अकाउंट से आपके पैसे कटे हैं उसी बैंक अकाउंट में आपके जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, सही ना। तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन फ्रेंड्स आप थोड़ा ध्यान रखा करिए, जब आप ट्रेन टिकट यहाँ से जैसे बुक करते हैं, सही ना, और बुक करते टाइम आप ये ध्यान रखिए, जैसे हम यहाँ से मैंने जो है दरई कैंट जम्मू तावी का मैंने यहाँ आज ही के लिए जैसे सर्च कर रहा हूँ, सही ना, यहाँ से मैंने सर्च किया, तो ये प्रॉब्लम देखिए तब आती है जब जैसे कि यहाँ पर यहाँ संभावना दी जाती है, जैसे यहाँ पर नीचे यहाँ तो ऊपर नॉट ट्रेन नॉट डिपार्टेड, सही है, और नीचे जब यहाँ पर मैं आता हूँ तो WL5 यानी कि इसमें जो है 5 सीटें अवेलेबल हैं और ये आपको मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती हैं। तो आप क्या करिए, आप यहाँ अवेलेबल पर क्लिक करिए, सही है, यहाँ पर ये कोई डाटा नहीं दे रहा है फिलहाल में, मैं और डेट चूज यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने चूज की 30 तारीख और ओके, सही है, और सर्च ट्रेन और सच ट्रेन का अवेलेबल अवेलेबल में ये देखिए अवेलेबल में ये नीचे दे रहा है, सही है, 3 है और 1230 रुपये की है और नीचे है। तो अगर जो है अवेलेबल में 109 सीट है, अगर आप इसको बुक करेंगे तो आपकी सक्सेसफुली जो है बुक हो जाएगी। तो जब भी आप जो है ट्रेन टिकट बुक करें तो आप ध्यान रखें कि जो है ये जो परसेंट वाला दिया रहता है, यानी WL यानी कि सीटें दी रहती हैं, इन ये जो है 99% ये जो है बुक नहीं होती हैं, तो इन्हें आप बुक ना करें। अगर आप ट्राई भी करेंगे तो आपके पैसे भी बैंक अकाउंट से कट जाएंगे और जो है आपकी ट्रेन टिकट भी बुक नहीं होगी। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं दोस्तों, आपके जो पैसे कटे हुए हैं बैंक अकाउंट से वो आपके सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में बैक कर दिए जाएंगे, जिस भी जो है ATM कार्ड से या जिस भी आपका जो भी पेमेंट मोड रहा होगा उसी जो है पेमेंट मोड में आपके पैसे वापस आ जाएंगे 3-4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर या 6 घंटे के या जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर को लगाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स,
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी और किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और जो है आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।